दोस्तों हमने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम पिछले व्लॉग के लिए ये वाला पार्सल लेके आए थे आपके लिए सरप्राइज, तो हमने इसको खोला था लेकिन हमारी फीमेल रैबिट्स ने हमें क्यूट सा सरप्राइज दे दिया, तो सारी की सारी वीडियो हमारी उसमें चली गई तो हम इसको नहीं खोल पाए। तो अभी हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा आपके लिए सरप्राइज है और कौन सी क्यूट सी चीज है। ये आ गया सरप्राइज। ओए ये क्या हुआ है? ओ तेरी फ्रेंड यार, ये पिजन मरा हुआ निकला है। ओए होए दोस्तों, ये वाला मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ना ही मैंने पार्सल में ये वाला पिजन मंगवाया था। ये निकापोच पिजन है और मरा हुआ एक्सपायर हुआ हुआ है यार। जो हमारा ऑर्डर था, हमारा पार्सल था ना, वो तो इसमें है, दोनों माशाल्लाह बिल्कुल महफूज है। और यार मैंने इसको देखा है, ये एक्सपायर निकला है। आप जिसे लेके आए ना, आप उसे कॉल करके पूछ लें। हाँ ये भी है यार, ये मरा हुआ पिजन निकला है, पूछता हूँ मैं उससे। यार आप देख के हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे कि हमाद भाई के पास आईफोन 14 15 होना चाहिए था, लेकिन छोटा सा मोबाइल है यार। यही मेरा फोन है, इसी को मैं यूज करता हूँ। मिडिल क्लास बंदे हैं, नॉर्मल सा लड़का हूँ यार, यही फोन इस्तेमाल करते हैं। तो हम कॉल करके पूछते हैं यार उसने हमारे साथ क्या किया है। वालेकुम सलाम तसीम भाई। यार अभी आपसे मैं पिजन लेके आया हूँ यार, उसमें से एक मरा हुआ निकला निकापोच पिजन। और यार ये कौन सा प्रैंक है, मैं तो डर ही गया था यार। यार भाई से पूछा, कह रहे प्रैंक किया, ये कौन सा प्रैंक होता है यार, मरा हुआ पिजन दे दिया हम इसी के काबिल। और यार फोन चल रहा है, वो सुन रहा है। चलो खैर अब हम इसको ना यार दफना के आते हैं, तो फिलहाल हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे और जो असल चीज़ है दिखाने वाली वो आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, हम ये वाले लक्के कबूतर लेके आए, ब्लैक टेल वाले। ये हमारा न्यू मास्टर केज बन रहा है ना, उसके अंदर हम पिजन केज बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको छोड़ेंगे। तो मैंने कहा यार इसको ले आता हूँ, ये चेक करें कितने प्यारे हैं यार। कहाँ जा रहे हो, इनको क्या हो गया यार? वो सामने हमारे केज के ऊपर चले गए, इनको लेके आता हूँ। इधर आओ यार, अभी तो हमने आपको देखना देखा ही नहीं है सही से। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ओए 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 ओ तेरी, ओए इधर आओ। यार इनको क्या हो गया, ये तो फ्लाई भी करते हैं। भाई तो कह रहे थे बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करते और ये फ्लाई कर रहे हैं। यार मैं गिर ही ना जाऊँ, काफी डेंजरस जगह पे खड़ा हूँ। इधर आ जाओ यार, इधर इधर इधर। यार पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। ओ यार इधर 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 इधर। एक तो भाई ने पकड़ लिया, ये मुझे पकड़ा दो यार, ये मुझे पकड़ा दो। ओए 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 यार हमारे नेबर के घर जा रहे हैं हमारी जोधा को देखे। जोधा आप तो इधर आ जाओ, ध्यान से जाएं, ध्यान से, उनको पता नहीं चले कि आप उनके घर गए हो। ये भी आ गया मेरे पास, आ गया, अभी मैं इनको पकड़ लेता हूँ। वो जोधा को इधर ले आया, जोधा को पीछे से हाथ मारी ताकि फ्लाई करके इधर आए। डरा इसको, ये चीज, ये आ गई जोधा। तेरी कितनी फ्लाई किया, छत पे चली गई है। ओ तेरी, जोधा के पास चली गई है, वो भी चला गया यार। दोस्तों मुझे टेंशन हो रही है, ये फ्लाई करते हैं और अभी हम लेके आए, ये कहीं चले ना जाए अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो। तो अब हमारे पास सीढ़ी भी नहीं है ना, मैंने ऊपर जाना है और इसको लगाते हैं, इसको लगा के मैं चढ़ जाता हूँ। पकड़ी इसको। ओए अकबर, अकबर यार तुम्हारी ऊपर दावत नहीं है। ओए ओए ओ तेरी खैर। ओए ये क्या कर दिया यार। ओए अकबर नीचे चला गया, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। कहाँ गया अकबर? वो इस तरफ तो आया था। ओ तेरी, वो पहुंच गया, वो सामने हमारे गार्डन में फिर रहा है। ओए अकबर कहाँ जा रहे हो? ये रहा। चलो चलो यार, हमारी सब्जी खराब कर रहा है यार, ये सब्जी लगाई है, जो चारा वगैरह लगा हुआ था ना, घास लगा हुआ था, सारा खत्म करके यहाँ पे मैंने सब्जी लगा दी है क्योंकि सर्दियों की सीजन आ गया, सर्दियों में सब्जी काफी ज्यादा होती है। और ये अकबर को पहले भेजे ना ऊपर बैठा, उसने आराम से चला जाए, दरवाजा खुला हुआ है। गुड, पिजन नीचे आए हैं कि नहीं? नहीं आए। नहीं आए। ओए अकबर साइड पे हो जाए तो ये करंट लग जाएगा। ये हम वहाँ पे स्टैंड लगा रहे हैं, स्टैंड को वहाँ पे लगा के ना तो ऊपर चढ़ जाता हूँ और उन पिजन को नीचे लेके आता हूँ। यार वो रे हमारे पिजन, मुझे तो डर लग रहा है वहाँ से फ्लाई करके चले न जाए क्योंकि काफी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। ओए यार नेट कहाँ चला गया हमारा? नहीं मिला। वही लग रहा है यार अरबाब लेके गया, अरबाब भी घर में नहीं है और उसके वो सामने पिजन बैठे हुए हैं, वहाँ जाके फ्लाई ना कर जाए। इनको मैं इधर से ही पकड़ता हूँ। यार आप इतने प्यारे हो लेकिन हमें तंग कर रहे हो, आराम से मेरे हाथों में आ जाना, काफ़ी ऊंचाई है, मुझे डर भी लग रहा है। बिल्कुल प्यार से कुछ भी नहीं कहूँगा। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यार यार मुझे लग रहा है ये मेरे से खेल रहे हैं क्योंकि जहाँ से हम लेके आए ना वहाँ पे केज में बंद रहते हैं और यहाँ पे आके ना अपने पर वगैरह सीधे कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे से खेल रहे हैं। आ जाओ। ओ तेरी खैर। यार हमारे पिजन तो वो फ्लाई कर गए हैं, आप मास्टर केज चेक कर ले, माशाल्लाह हमारा कितना ज्यादा बन गया है। ज्यादा नहीं बना, 7-8 दिन हो गए हैं अभी तक इनसे मास्टर केज नहीं बना रहा, जल्दी बना दो यार मिस्त्री साहब। हर रोज यही बोल रहे हैं, वो बन गया, वो बन गया, वो बन गया। यार खड़ा भी कर दो यहाँ पे हर रोज, यार आज आज कहते हैं, पता नहीं इनकी कब आ जाएगी। दोस्तों जो भाई हमारा मास्टर केज बना रहे हैं ना, ये मुझे कह रहे हैं कि हम खुशकिस्मत है जो आपका व्लॉग हम लाइव एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा आप मास्टर केज बना तो लो, इसके पैसे लूंगा मैं आपसे।
और ये पिजन को अब मैंने पकड़ना जरूर है। अब ये कहीं भी नहीं जाने वाले, इधर आओ यार। ये ना हो मैं गुस्से में नीचे गिर जाऊं, और ध्यान से इनको पकड़ना है। ओ तेरी खैर यार, क्या मसला क्या है, ये पकड़ लिया, क्या बात है। एक तो मेरे हाथ में आ गया, इसको केज में बंद कर, इसको बाद में देखूंगा मैं। वो अंदर वाला जो केज है ना उसमें जाके बंद कर किया। अब एक रह गया, इसको ध्यान से पकड़ना है। दूसरे यार वहां से फ्लाई किया और वो सामने आ गया, वो चेक करें, वो बैठा हुआ है। अभी आखिरी रह गया, ये हमें तंग कर रहा है। बाकी दूसरे का तो हमने पकड़ लिया, उसको केज में बंद कर दिया है। अब मैं इसको भेज रहा हूँ, ये ऊपर जाएगा और इसको पकड़ के लाएगा। तोड़ दिया इसको यार, तुम काम थोड़ा कर रहे हो, नुकसान हमारा ज्यादा कर रहे हो। ये वाला केज हमारा टूटा हुआ था और उसको और तोड़ दिया, ये चेक करें। मुझे लग रहा फ्लाई कर जाएगा। ओए होए यार, इसने काफी तंग कर लिया मुझे, अब गुस्सा आ रहा है, अब इसको पकड़ के ही छोड़ना है। ओए ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। गुड, नीचे ही है। अब मैं इसको स्पीड में पकड़ूंगा और एक ही जो बट्टे में पकड़ूंगा, और इसको खुद को नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। ओए ले आया यार, बाप से नेट ले आया। पकड़ यार अब इसको, काफी तंग कर दिया इसने, ध्यान से पकड़ी, आराम से, अब फ्लाई नहीं करना चाहिए। मार दे मार दे मार दे, नेट पकड़ा गया, क्या बात है यार, ले आई यार। नेट आने की वजह से एक मिनट में पकड़ा गया, नहीं तो हमें इतना ज्यादा तंग कर रहा था। ओए ओए यार, इसके पर खराब हो रहे हैं, आराम से इधर आओ यार। क्यों इतना तंग किया, इतना क्यों भगाया, इधर रुको रुको यार, क्या हो गया। अभी आपको केज में छोड़ता हूँ। दोस्तों दोनों को हमने फिलहाल इस छोटे केज में बंद कर दिया है, वो सामने खड़े हमें है, और वो वाला केज हमारा जो बड़े वाला है ना उसके आगे जाली है। थोड़ी देर बाद ये जाली साइड पे कर लेंगे ना, फिर इनको वहाँ पे छोड़ देंगे। और आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, तंग तो काफी किया यार आप लोगों ने। दोस्तों ये बेचारा पड़ा हुआ है, जो भाई ने हमें सेंड किया था ना, ये बेचारा एक्सपायर पिजन, निकाह पोश पिजन है, इतना प्यारा यार। इसके पाँव में ना ये देखें, ये छल्ले भी डाले हुए हैं अभी भी। बेचारा जब जिंदा होता होगा कितना प्यारा होता होगा, तो अब बेचारा एक्सपायर हो चुका है, इसका मुँह ही नज़र नहीं आ रहा। तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इसको दफनाने के लिए। इधर करते यार खड़ा, यार ये हमने खड़ा कर दिया और यहाँ पर दफना देते हैं बेचारे को। चलो यार, पता नहीं भाई ने हमें इसलिए दिया होगा, ये जाके दफना देगा इसको, पता नहीं, समझ नहीं आ रही भाई ने ऐसा क्यों मजाक किया हमारे साथ। ओ तेरी यार, रैबिट्स का और होल टूट गया, पहले तो थोड़ा सा टूटा हुआ था, अब और टूट गया यार। ये तो ऐसे टूटता जाएगा, हमारे रैबिट्स के बेबी अंदर है। एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ सामने बैठे हुए तो हुए हैं, बड़े आराम से मेरे हाथ में आए हुए हैं, इनको बाहर नहीं निकालता। ये चेक करें, ये वहाँ पे कॉर्नर पे छुपे हुए हैं। जाओ यार उधर जाओ, एक मिनट यार। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या करना चाहिए, ये तो होल टूटता जा रहा है। ओए बाहर आ गई हो, मैंने आपको अंदर भेजा, अंदर जाओ ना, वहीं जाओ जहाँ से मैंने आपको उठाया था। चलो जी यार, इन हमारे रैबिट्स के लिए ना ये वाला मैंने केज तोड़ के रैबिट्स का एक काफ़ी बड़ा केज बनाना है, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये वाला होल ना टूट ही जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं, इन रैबिट्स के बेबी को कहाँ पर शिफ्ट करूँ या इधर ही रहने दूँ। और आपने मुझे कमेंट में मशवरा देना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी फौरन तो नहीं बन सकता, रैबिट्स का केज थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस वक्त तक मैं क्या करूं। और आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।